हेलो बिकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। हायर परचेज का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो सम नंबर 6 हम आज करने वाले हैं। सम नंबर 6 में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, आपको कैश प्राइस नहीं दिया गया है और कैश प्राइस हम निकालेंगे, और साथ ही साथ एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी है, मतलब यहाँ पे वर्किंग ज्यादा आ रही है। तो वो या तो ट्रिकी पॉइंट पूछते हैं एग्जाम में, जो कि ये ट्रिकी पॉइंट्स ही है, क्लियर। नॉर्मल सम नहीं पूछेंगे ये लोग। अगर आपको लगता है कि जो मैंने सम नंबर 2 करवाया था नॉर्मल ऐसा सम आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता वो वाला सम आएगा। लेकिन वो सम मैंने इसलिए कराया था क्योंकि वो फर्स्ट सम था, पर आपका बेसिक मजबूत हो इसकी वजह से। अब सम नंबर 6 करवा रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है, और इसके जैसे अगर सम आपको आगे दिखे तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर देना, क्लियर। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बेस पे हम कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, क्लियर। और टोटल आपको पता होगा 4 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट होती है, तो अगर ऐसे कोई बीच में इंस्टॉलमेंट हमें नहीं दी जाए तो हम कैसे निकालें उस इंस्टॉलमेंट को, क्लियर। तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है टिपटॉप कंपनी लिमिटेड है, अब 1/1/2008 का ये डेट ध्यान रखना। उसने परचेस किया मोटर कार हायर परचेस पे, और साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 1/3 कैश प्राइस दिया। अब 1/3 कैश प्राइस इन्होंने दिया है वो उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे कैश प्राइस ही नहीं पता, क्लियर। तो मैं सम की शुरुआत कहाँ से करूँ? तो अभी फिलहाल इंस्टॉलमेंट को इग्नोर करूँ, इंस्टॉलमेंट को क्या करो, इग्नोर करो। पहले तो वो चीज निकालो जिसके बेस पे आपको सम करना है, और वो है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस के लिए मेरे लिए यूजफुल रहेगा ये 4 लाइन। एक तो ये जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन की, और एक ये वाली एंट्री, ये वाली पैराग्राफ, बस इसमें से मैं आराम से कैश प्राइस निकाल सकता हूँ। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक डेप्रिसिएशन की एंट्री मारी हुई है इन्होंने, और डेट है, इसको भी ले लो, ये वाला पैराग्राफ भी ले लो, ये भी, क्योंकि इसके रिलेटेड ही तो है, क्लियर। ये क्या बोल रहे हैं कि 31/12/2011 को एक जनरल एंट्री परचेसर ने मारी हुई है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो इन्होंने हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब मुझे एक चीज बताना, क्या ये क्वेश्चन के रिलेटेड, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसमें ये पॉइंट आती है? क्यों वो डेप्रिसिएशन का पॉइंट देगा? तो वो दिमाग में आना चाहिए अपन को कि वो क्यों दे रहा है। उसका रीजन यही होगा कि अगर मुझे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब वो चीज ही ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर मैं मिसिंग चीज निकाल सकता हूँ, और मिसिंग चीज है कैश प्राइस, बराबर। तो अभी तो फिलहाल सिर्फ ये देखो ये डेप्रिसिएशन कौन सी तारीख का है, तो ये डेप्रिसिएशन है 31/12/2011 का। अब आ जाते हैं एक्चुअल कैश प्राइस निकालने की कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन टू फाइंड कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन। तो डेप्रिसिएशन आप देखोगे तो 31/12/2011 का, क्लियर। 2011 का कितना रुपीज है? 39,366, क्लियर। तो ये तो डेप्रिसिएशन दिया है। अब इसको कैसे निकालेंगे? मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सपोज द वैल्यू ऑफ मशीनरी इस ₹100, और वो कभी 1/1/2008 को जब एग्रीमेंट साइन हुआ, 1/1/2008 को मैं मान लेता हूं कि बेस वैल्यू जो मेरी मशीनरी की थी वो ₹100 की थी। अब इसमें से मैं लेस करूंगा डेप्रिसिएशन, जो कि कितना डेप्रिसिएशन है, 10%। तो 10% में आरबीएम मेथड है, देखो यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उस पर 10% लगेगा। तो 100 पे अगर 10% लगाऊंगा तो 10 आएगा,
अब ये डेप्रिसिएशन मेरी कौन सी तारीख करेगा, 31/12/2008। अब मेरी वैल्यू कितनी बची मशीनरी की, 90, और ये वैल्यू कौन सी डेट की हुई, 1/1/2009। अब वापस से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो 90 पे 10% आएगा 9 रुपीज, अब मेरी वैल्यू बचेगी 81, और ये डेप्रिसिएशन मेरा होगा 31/12/2009 का, और ये बैलेंस रहेगा मेरा 1/1/2010 का। अब इसमें से मैं डेप्रिसिएशन फिर माइनस करता हूं तो 81 का अगर मैं 10% करूंगा तो 8.1, अब ये डेप्रिसिएशन मेरा हो जाता है 31/12/2010 का, और मेरी वैल्यू बचती है 72.9, और ये वैल्यू हो गई 1/1/2011 की। अब मैं वापस से डेप्रिसिएशन काउंट करता हूं तो 72.9 पे अगर मैं 10% करूं तो 7.29 मेरी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है, और ये मेरा डेप्रिसिएशन हुआ 31/12/2011 का, और मेरी वैल्यू बचती है 72.9 को माइनस करने के बाद 65.61। ये मैंने पहले कैलकुलेशन की है। अब मुझे यहाँ पे अगर दिख रहा है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन मैंने एक जनरली 100 रुपया अज्यूम किया मशीनरी की वैल्यू, और इस तरह से डेप्रिसिएशन काउंट करता हूं तो मेरा 31/12/2011 को डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 7.29 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7.29। तो 7.29 मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट यही होगा 39,366, क्योंकि यहाँ पे 100 है, तो 100 को अगर मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूं तो मेरा 31/12/2011 को डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 7.29। तो वैसे ही कोई मशीनरी की वैल्यू होगी जो डेप्रिसिएशन करते 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 31/12 पे इतना ही तो आएगा, क्योंकि परसेंटेज माइनस कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज उसकी माइनस करो या 100 की माइनस करो आएगा तो वही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7.29 है वो 39,366 है, तो ये तो 7.29 अमाउंट है, तो 100 कितना होगा, तो 100 जो भी आंसर आएगा ना वो ये 100 होगा, मतलब कैश प्राइस 39,366 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 7.29, तो 5,40,000। फाइव लैख 40,000 आपका कैश प्राइस आ गया। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे की कैलकुलेशन की तरफ। तो ये हमारा जो है इसका हेडिंग रहेगा टेबल शोइंग ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्लियर। तो अब मेरे पास 1/1/2008 को मेरे पास आ गई है 5,40,000 कैश प्राइस, बराबर। अब 1/3 क्या बोल रहे थे, डाउन पेमेंट, तो मल्टीप्लाई 1/3, तो 1,80,000 डाउन पेमेंट जिसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, और ये 1,80,000। अब मेरा बैलेंस क्लोजिंग कितना बचता है आपका डाउन पेमेंट, 3,60,000। अब यहां से होती है सम की अच्छी सी शुरुआत, 30/6/2008 ओपनिंग वैल्यू है 3,60,000, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट इन्होंने कितना बोला है, 87,000। हमारे पास ओपनिंग वैल्यू है तो हम इजीली 3,60,000 का, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ इतना ही रीड किया था सम, अभी हमारा ये वाला सम रीड करने का बाकी है। तो इसको रीड करते ही क्या बोलते हैं, द बैलेंस वॉज पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद 15% एनुअल इंटरेस्ट एज फॉलोज। तो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट, 4 मतलब 4 इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी, हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे डेट भी आप दे सकते हो 30/6 और 31/12, 6-6 महीने में इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है, और एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 15%। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, सेलर मोटर कार और इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि मोटर कार अकाउंट सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट शो करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये मोटर कार अकाउंट, सेलर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 3,60,000 का
15% निकालो कि 7.5, 7.5 क्या हो जाता है उसका आधा। तो मैं अगर आपका आंसर 7.5 है तो करेक्ट है, क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है ना, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली तो इंटरेस्ट भी तो हाफ काउंट करेंगे, तो 3,60,000 का 7.5% निकाल दो तो 27,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब मेरा कैश प्राइस कितना हुआ इंस्टॉलमेंट में, मेरा कैश प्राइस हुआ 60,000। अब ये कैश प्राइस ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ सेट कर देंगे तो 3,60,000 माइनस 60 3 लाख रुपीज का आपका आया क्लोजिंग बैलेंस। अब आते हैं 31/12/2008 को, और ओपनिंग बैलेंस मेरा है 3 लाख रुपीज, और मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी है 1,82,500। तो 1,82,500। अब मैं वापस 7.5% का इंटरेस्ट 3 लाख पे काउंट करूं तो 22,500। अब 1,82,500 में करूं तो मेरे इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस मेरा कितना हुआ 1,60,000। अब ये मैं प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस कर देता हूं तो 1,40,000 मेरा वैल्यू आता है। अब 30/6/2009 ओपनिंग बैलेंस मेरा रहता है 1,40,000। अब मुझे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं पता, लेकिन मैं इंटरेस्ट तो निकाल सकता हूँ 1,40 पे 7.5%, 10,500 वो मैंने निकाल दिया। अब मेरे से कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, कोई इशू नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। 31/12/2009 ओपनिंग मुझे पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मुझे पता है 53,750। अब देखो ध्यान से समझना, अब क्या होता है, ये 53,750 है सबसे पहली चीज, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। क्या है? लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। क्लियर? तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो होगा वो 107.5 है, और ये जो है वो 7.5 है, और ये है वो 100 है, और ये भी जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो भी 100 है। अब ये क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरा लास्ट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 100 था, उस 100 में से मैंने 100 कैश प्राइस माइनस किया तो वो नील आ गया, वो क्या आ गया, नील आ गया। अब मैं इंटरेस्ट किस पे चार्ज करता हूँ, मैं इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करता हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कितना करूंगा चार्ज, 7.5%। तो ये मैंने 7.5% दे दिया, क्लियर? अब ये दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा ये अमाउंट आ जाता है 107.5, क्लियर? समझ में आया आपको? वापस समझाता हूँ, मुझे पता है मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो ये मेरा क्या होगा, नील। तो मैं यहां पे 100 ले लेता हूं और यहां पे भी 100 ले लेता हूं, तो मेरा डील आएगा आंसर, क्योंकि मैं क्या करता हूं, कैश प्राइस माइनस जो मेरा प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस है वो माइनस करता हूं। अब इंटरेस्ट में किस पे काम करता हूं, ओपनिंग बैलेंस पे, तो ओपनिंग मेरा क्या है 100, 100 पे 7.5% कितना आएगा, यहाँ पे 7.5% इंटरेस्ट है ना, 7.5%। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तब जाके ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते तो पेड टूवर्ड्स कैश प्राइस आता है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये मेरा 107.5 आ गया। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 53,750 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाई 107.5, तो 3,750 मेरा आ गया इंटरेस्ट। अब कैश प्राइस निकाल लो, 53,750 माइनस 3,750, तो ये मेरा आ गया 50,000। अब मेरा कैश प्राइस 50 है तो मैंने क्या माइनस किया होगा, वैल्यू नहीं लाएगी तो 50। तो इस तरह से हमने अच्छे से लास्ट इंस्टॉलमेंट निकाल दी। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग मतलब सेकंड लास्ट का क्लोजिंग, क्लियर? अब क्या होगा, अब 50,000 मेरा यहाँ पे क्लोजिंग आ रहा है, और ओपनिंग कितना है 41, मतलब मैंने क्या माइनस किया होगा जो 50,000 आया होगा, तो आई थिंक मैंने माइनस किया होगा 90,000, बस मिसिंग वैल्यू ऐसे ही निकालनी हमको। अब 90,000 प्लस इंटरेस्ट कर दूंगा तो मेरा इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट आ जाएगा, 90,000 प्लस 10,500,
मतलब 100,500। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट भी निकालना सीख लिया और कैश प्राइस भी सीख ली। अब मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा। ये जो पीडीएफ है ठीक है, सेव होकर टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप मुझे 9725714309 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और वीडियो लिंक एंड पीडीएफ क्लियर। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस कौन सी तारीख होता है, 1/1/2008, और ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5,40,000। डेप्रिसिएशन कोई काउंट होता नहीं है, ओपनिंग बैलेंस पे कहां से करेंगे। अब हम आएंगे 31/12/2008, ओपनिंग बैलेंस था 5,40,000 और डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। तो 5,40 पे डेप्रिसिएशन करो तो 54,000। 5,40 - 10% निकल लेता हूँ, 4,86,000। अब 31/12/2009 को 4,86,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन कर दो तो 48,600। अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4,37,400। क्लियर। तो मेरा डेप्रिसिएशन भी आ गया 2 साल के लिए और मेरा इंटरेस्ट भी आ गया टोटल, यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया, कैश प्राइस भी आ गई। अब हम बनाएंगे मोटर अकाउंट। मोटर अकाउंट कुछ इस तरह से बनता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। पहली एंट्री क्या करोगे, अब मोटर कार है, जैसे जैसे पैसे दोगे मोटर कार को डेबिट करोगे और साल के अंत में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे। तो मैंने 1/1/2008 को आप यहां से ही निकाल सकते हो, 1,80,000 दिया था। तो मैं एंट्री करूंगा, पहली एंट्री करूंगा टू बैंक अकाउंट 1,80,000। क्लियर। उसके बाद मैं सेलर, मतलब जो भी नाम होगा, यहाँ पे सेलर दिया तो मैं सेलर का नाम यूज कर रहा हूँ। 30/6/2008 को मैंने इंस्टॉलमेंट दी होगी सेलर को, मतलब मेरा मशीनरी का वैल्यू और मेरा इंक्रीज हुआ, तो कितनी मैंने इंस्टॉलमेंट पे की थी यहाँ पे आप मुझे बता पाएंगे, कौन सी लूंगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लूंगा कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लूंगा। तो मैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट लूंगा, मतलब कैश प्राइस हो रहेगी, इंटरेस्ट तो मेरा खर्चा है, वो मेरी एसेट इंक्रीज नहीं करेगा। 60,000। अब 31/12 को भी मैंने 60,000 दिया होगा, नहीं चेक कर लेते, 31/12 को मैंने 1,60,000 दिया, ये रहा 1,60,000 दिया है, तो 1,60,000 में यहां पे लिखूंगा। अब साल के अंत में 31/12/2008 का डेप्रिसिएशन मैंने यहां निकाला था, कितना है 54,000, यहां 54,000 लिख देता हूं। अब करता हूं मैं यहां पे टोटल, तो 1,80,000 + 60,000 + 1,60,000 टोटल 4 लाख वैल्यू आती है, यहां पे भी 4 लाख लिख देंगे। अब बाय डेप्रिसिएशन तो हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो 4 लाख में से 54 गया तो 3,46,000 का हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब न्यू ईयर में आ जाते हैं, 1/1/2009 को यहाँ वैल्यू लिखेंगे 3,46,000। अब यहाँ पे सेलर को 30/6/2009 को कौन सी इंस्टॉलमेंट दी थी, 90,000 की और उसके बाद 50,000 की, तो मैं दोनों की एंट्री लिख देता हूँ यहाँ पे। 30/6 को मैंने दी थी 90,000 की और 31/12 को दी थी मैंने 50,000 की, तो 3,46,000 + 90,000 + 50,000 तो 4,86,000 मेरा वैल्यू आया यहाँ पे टोटल। अब 4,86,000 यहाँ पे लिखूंगा और डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ जाता है, 48,600। अब माइनस कर देता हूँ डेप्रिसिएशन, अब मेरा वैल्यू कितना आया, 4,37,400 और ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया 4,37,400। यहाँ पे हमारा मशीन मोटर कार अकाउंट कंप्लीट होता है। अब सेकंड अकाउंट आएगा सेलर का अकाउंट। अब सेलर के अकाउंट में दो तरह के हो गया, या तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दो, मोटर कार की शुरुआत का जो डाउन पेमेंट दिया वो लिखो,
और उसके बाद एंट्री करो, या तो जो भी आपके इंस्टॉलमेंट है उसकी जेबी करो। तो बेसिकली प्रैक्टिस इंस्टॉलमेंट की जेबी होती है। तो जैसे आपने टोटल 4 इंस्टॉलमेंट किए और 4 इंस्टॉलमेंट की एंट्री में करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली वाली इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों प्राइस अलग अलग रखेंगे। जैसे पहली वाली इंस्टॉलमेंट है 87,000 की, इसमें 60,000 आपका कैश प्राइस है इंस्टॉलमेंट में और 27,000 इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही लिखोगे, सेलर अकाउंट में सबसे पहले 60,000 का मोटर कार इंक्रीज करोगे और 27,000 का इंटरेस्ट डालोगे, टोटल 87,000 का आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनता है, और जो कि आपने 30 चेक को ड्यू हुआ था और 30 चेक को पे कर दिया, टोटल हो गया 87,000। क्लियर। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी? सेकंड इंस्टॉलमेंट है आपकी 1,82,500, जिसमें 160 जो है वो आपका कैश प्राइस है और 22,500 आपका इंटरेस्ट है। तो बस मैं वही लिख रहा हूँ, 1,60,000 और 22,500, टोटल आपका आ जाता है 1,82,500, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आ गया 1,82,500 और ये भी आपका आ गया 1,82,500। आप ईयरली भी टोटल मार सकते हो, यहाँ पे मैं 6 6 मंथ का वो टोटल मार रहा हूँ। अब 30/6/2009 को, 30/6/2009 को इंस्टॉलमेंट कितने की आपकी? 1,05,000 की, जिसमें 90,000 कैश प्राइस का है और 10,500 इंटरेस्ट का है। यहाँ पे मोटर कार देख लेते, 1,00,500 और 10,500 आपका, सॉरी यहाँ पे आपका मोटर कार तो उतना नहीं आएगा, 90,000 आएगा। तो 90,000 प्लस 10,500, 1,00,50, यहाँ पे भी 1,00,50 और ये आपका बैंक अकाउंट हो गया 1,00,50। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं हम। लास्ट इंस्टॉलमेंट है 53,750, जिसमें 50,000 जो है आपका मोटर कार का कैश प्राइस टूवर्ड्स जमा करेंगे और 37,50 इंटरेस्ट, तो 53,750 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 53,750 और टोटल वैल्यू भी 53,750। तो ये आपका सेलर का अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे इंटरेस्ट अकाउंट में। इंटरेस्ट अकाउंट में क्या करेंगे? आपका इंटरेस्ट पहले डेबिट करो, खर्चा है अपना, फिर इसको पीएल अकाउंट में लेके जाओ। यहाँ पे सब अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिख देना, मैंने नहीं लिखा है, अब कॉमन सा चीज हो गया तो ये तो आपको पता ही रहेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कौन सा है आपका अमाउंट? 27,000 है और 22,500 है, तो 27,000 और 22,500। अब इस साल के एक बार हम पीरियड में लेके जाएंगे, बार बार थोड़ी, 6 6 महीने में लेके जाएंगे। 27,22,500, 49,500, साल में एक एंट्री भी कर सकते हो आप। 49,500 ये आपका आ गया 49,500, और उसके बाद बाकी की दो एंट्री आपकी आती है 10,500 और 37,50। करेक्ट, 10,500 और 37,50, तो टोटल आपका आ जाता है 1,42,500, ये भी आपका आ गया 1,42,500। तो हमारा सम नंबर 6 है वो कंप्लीट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसका पीडीएफ मैंने आपको कहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो आप मेरे को ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूंगा, दूसरे वीडियोज होंगे उनकी लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप न्यू सम में, न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।